नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल तड़का दाल। तो उसकी रेसिपी कैसी है, क्या है, कैसे बनती है दाल, वो सब हमको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं दाल। मूंग की दाल बनाने के लिए जो हमको लगेगा आइटम्स वही तरह सामग्री, पहले है मोरी, हल्दी, जीरा, दो प्याज, दो टमाटर और ये पांच छोटी मिर्ची, और ये हमें लिए मसूर की, सॉरी अरहर की दाल लिए। तो आप हम बनाएंगे किस तरह से वो सब आपको दिखाएंगे। जो प्याज है, टमाटर है और मिर्ची काटने के लिए देख सकते हैं आप इस तरह इस। तो देखिए किस तरह मैं काटता हूँ। ये प्याज है, अभी काटते हैं। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने प्याज और टमाटर काटे हैं। ये देखिए बारीक काट के लिए, तो प्याज, तो टमाटर और एक पांच छोटी मिर्ची इस तरह काट के लेना है दाल फ्राई के लिए। तो काट के लिए, तो अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। दाल भिगाई हुई थी, तुअर दाल, तो इस तरह कुकर में, इस तरह कुकर में डाल के उसको बॉईल कर देंगे। हल्दी डालना पड़ेगा, हल्दी नमक, हल्दी नमक डालने डालिए कुकर के पीछे। इस कुकर में दाल उबलने डालिए, उसमें डाला है हल्दी, जितनी दाल उसके लिए एक कप पानी और नमक। उसके बाद मिर्ची और टमाटर डालने का टाइम आ गया है। टमाटर गलने तक कुछ करना है। जैसा टमाटर जल जाए तो उसमें नमक डाल देना है। धीमी आंच में पकाना है।
मसाला डालना पड़ेगा, बॉइल जो होगा। धोनी दाल है बॉइल जो होगा वो अच्छा आएगा इसमें पूरा। इस तरह से दाल भी है पूरा दाल बनाए मसाले में। अभी दाल डालने के बाद हिलाना है, इसे मैश करना पड़ेगा। मैश हो रहा है, इतनी गाढ़ा नहीं बनाना, इसको थोड़ा पानी डाल के हिलाना पड़ेगा। हमें डाल के बॉल आने तक पकाना है, फिर बॉल आएगा तब तक पकाना है। तो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। दाल बन चुकी है हमारी, दाल फ्राई। यह दाल फ्राई पंजाबी स्टाइल।